तो यह है गेट नंबर 2। सामने आपको टिकट मिलता है। देखिए फ्लैग का सीन और यह लाइट। यह फ्लैग देवरिया का। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आप लोग काफ़ी बढ़िया होंगे। सो दोस्तों, मैं हूं इस समय देवरिया रेलवे स्टेशन पे। मेरे पीछे देख सकते हैं ये दोस्तों, ये है नया फ्लाई ओवर और अभी लगातार काम चल रहा है दोस्तों। और आप लोगों के बीच एक नया फ्लाई ओवर देखने को मिलेगा और अभी टैस का काम चल रहा है। आइए आपको दिखाते हैं, देख सकते हैं आप लोग। देख सकते हैं ये रहा न्यू ब्रिज का कुछ दृश्य। और देख सकते हैं दोस्तों, अभी टैस का काम चल रहा है और पूरा दोस्तों ब्रिज पेंट वगैरह हो गया है। देख सकते हैं आप लोग, इधर भाई लोग काम वगैरह कर रहे हैं। देखिए इधर बहुत ही जल्द दोस्तों ये चालू हो जाएगा आप लोगों के बीच। और काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। और प्लेटफार्म पे लगातार काम हो रहा है दोस्तों और काफ़ी बड़ा ये लंबा प्लेटफार्म बन रहा है देवरिया। और जो भी माल गोदाम था उसको तोड़ करके कर दिया गया है। और इधर है और काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों, चारों बगल लाइट भी लग गया है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यह रेलवे स्टेशन का आसपास का नज़ारा। यह भारतीय डाक पार्सल रेलवे स्टेशन का। रेलवे स्टेशन का बाहर का दृश्य। और इधर दोस्तों पान उनका मार्केट लग रहा है सुबह में, अभी भी लगा है देख सकते हैं। सुबह में काफ़ी ज़्यादा भीड़ आता है। तो अभी इधर के साइड में भी देख सकते हैं दोस्तों, पूरा ईंटा पत्थर आपको दिखाई देगा। इसको भी जो माल गोदाम था उसको तोड़ करके और फिर इसको भी अच्छे तरीके से पटरी वगैरह बिछ रहा है नया। और देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी लंबा चौड़ा प्लेटफार्म बन रहा है देवरिया का, आपको मैं दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं जितना गोदाम था पूरा तोड़ दिया गया है और काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों काफ़ी। इधर देखिए आप लोग, मेरे ख्याल से यहाँ पे ट्रैक वगैरह बिछेगा पटरी। और इधर गिफ्टी वगैरह भी है। ये है दोस्तों कसिया का फ्लाई ओवर। ये दोस्तों इसको पूरा अच्छे तरीके से ढलैया कर दिया गया है। और इधर देखिए आप लोग, प्लास्टर वगैरह हो रहा है, इधर लगेगा लाइट वगैरह शायद। ये देखिए आप लोग, बहुत फास्ट काम हो रहा है दोस्तों, अच्छा है, होना भी चाहिए। और दोस्तों जो पानी की निकासी की व्यवस्था है उसको जल्द से जल्द व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि देवरिया में बहुत जगह पानी लग रहा है, उसको ध्यान देना चाहिए।